गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा नौ वाले ध्यान देंगे। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम काका कालेलकर जी की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उनका जन्म। काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में और मृत्यु थे 1981। आइए उनके बारे में जानते हैं। जीवन परिचय इनका देखें। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में सन 1885 ईस्वी में हुआ। 1885 ईस्वी में हुआ। आप इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। काका कालेलकर जी का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। आपके पिता श्री बालकृष्ण कालेलकर कोषाधिकारी थे। इनके पिताजी क्या थे, जिनका नाम बालकृष्ण कालेलकर था, एक कोषाधिकारी थे। काका कालेलकर ने सन 1907 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1907 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। काका कालेलकर शांति निकेतन में अध्यापक तथा साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक भी रहे। साबरमती आश्रम में ये प्रधानाध्यापक थे। आपने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के रूप में 8 वर्ष तक सेवा। गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के रूप में इन्होंने 8 वर्ष तक सेवा की। मातृभाषा मराठी के साथ साथ कालेलकर जी का हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला तथा संस्कृत भाषाओं पर भी अधिकार था। आप महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी जी के पथ पर चलने वाले थे, उनके अनुयायी थे। उनकी प्रेरणा से आप हिंदी के प्रचार और प्रसार में लग गए। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से ये हिंदी के प्रचार और प्रसार में लग गए, तो उसका प्रचार की। दक्षिण में विशेषतः गुजरात में हिंदी प्रचार का कार्य उनकी देखरेख में सफलतापूर्वक हुआ। काका कालेलकर जी की देखरेख में गुजरात में हिंदी का प्रचार सफलतापूर्वक हुआ। दक्षिण के हिंदी प्रचार सभा के सन 1938 के अधिवेशन में भाषण करते हुए आपने कहा था, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपको रविंद्रनाथ ठाकुर तथा पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपने भारतीय इतिहास और संस्कृत के अतिरिक्त समसामयिक समस्याओं को लेकर अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी में प्रस्तुत की। आप राज्यसभा के सदस्य यानी 1952 से 1957 तक राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे काका कालेलकर जी। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत भी किया था। पद्मभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया था। आपको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गांधी पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए। राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा की निरंतर सेवा करते हुए 21 अगस्त 1981 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया। 21 अगस्त।
20 अगस्त 1981 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया। अब ये तो इनका जीवन परिचय था, ये तो साहित्य परिचय में देखने के बारे में। काका कालेकर एक उच्च कोटि के विचारक, विद्वान तथा लेखक थे। ये एक उच्च कोटि के विचारक, विद्वान और लेखक थे। राष्ट्र भाषा का प्रचार करने के साथ साथ आपने हिंदी तथा गुजराती में उच्च कोटि के मौलिक साहित्य का सृजन भी किया। ये गुजराती और हिंदी में जो है तमाम उन्होंने रचनाएं की, मौलिक सृजन उन्होंने किया। आप मराठी भाषी थे काका कालेलकर जी, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, मराठी थी, किंतु हिंदी से इनका अत्यंत प्रेम था। काका कालेलकर जी का हिंदी से अत्यंत प्रेम था। आपने हिंदी में उत्कृष्ट निबंधों तथा भाषा साहित्य की रचना की, उत्कृष्ट निबंध तथा भाषा साहित्य का इन्होंने रचना किया। आपकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृत का गौरवपूर्ण चित्रण हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृत आपकी रचनाओं में झलकती है, दिखाई देती है, तथा अनेक काव्यात्मक प्रसंग बड़े ही सरस बन पड़े हैं। काका साहब ने गुजराती में लिखी हुई अपनी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। ये जो गुजराती में रचना लिखे उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में भी किया। आपके वर्णन अत्यंत सजीव तथा स्वाभाविक हैं। काका साहब ने सामाजिक समस्याओं पर अपने सटीक विचार भी प्रकट किए हैं, जो मौलिक तथा नवीन है। उस समय तमाम सामाजिक समस्याएं थी, तो इन्होंने उस पर भी अपने तर्क विचार दिए। काका साहब एक सफल तथा सिद्ध रचनाकार थे। किसी घटना अथवा दृश्य का वर्णन करते समय आप उसका साकार चित्र सा उपस्थित कर देते। ये अगर किसी की घटना, किसी घटना को वर्णित करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था उसका एकदम चित्र सबके सामने आ गया। प्राचीन भारत तथा भारतीय संस्कृत की झलक आपकी रचनाओं में बार बार मिलती है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं काका साहब ने अपना अधिकांश साहित्य गुजराती भाषा में लिखा है। आपने हिंदी में भी कुछ रचनाएं की हैं तथा गुजराती रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे इन्होंने यात्रा साहित्य लिखा है, यात्रा साहित्य में आपने हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी यात्रा, हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी यात्रा आदि यात्रा साहित्य में लिखे हैं, निबंध में है। आपका जो निबंध है जीवन साहित्य तथा जीवन का काव्य, जीवन साहित्य और जीवन काव्य, यह आपका निबंध हो गया। संस्मरण में बापू की झांकियां, संस्मरण में बापू की झांकियां, संस्मरण में हो गया। और आत्मचरित्र में जीवन लीला तथा सरबंधन, आत्मचरित्र जीवन लीला और सरबंधन, ये आपकी जो है ये रचनाएं यात्रा साहित्य में हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी यात्रा, निबंध में जीवन साहित्य जीवन कार्य, संस्मरण में बापू की झांकियां, आत्मचरित्र में जीवन लीला और सर्वोदय, आपकी रचनाएं मुख्य रचनाएं। अब आइए इनके भाषा पर हम
काका कलेलकर की मातृभाषा मराठी थी, किंतु आपका हिंदी पर असाधारण अधिकार था। हिंदी पर पूरी तरह से आपका अधिकार था। आपकी भाषा में संस्कृत शब्दों के साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपने आवश्यकतानुसार लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया है। काका साहब की भाषा अत्यंत सजीव, प्रवाहपूर्ण, परिष्कृत खड़ी बोली। वाक्य छोटे हैं किंतु कहीं कहीं लंबे वाक्यों का प्रयोग भी मिलता है। वाक्य छोटे हैं लेकिन कहीं कहीं लंबे वाक्यों का भी प्रयोग मिलता है। यदा कदा इन वाक्यों का गठन दोषपूर्ण भी हो जाता है, जैसे सूक्ष्म प्रमाण में छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेजिका लोकोत्तरीय होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौती हो, चरित्रमान मनुष्य को अपने शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। शैली, काका साहब की शैली जो है वो निम्नलिखित रूप में तीन रूपों में मिलती है। क्या? पहला आत्मकथन शैली। इस शैली पहला वर्णनात्मक शैली, काका साहब ने यात्रा साहित्य में वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा सरल तथा प्रवाह पूर्ण। दूसरा है आत्मकथन शैली। इस शैली का प्रयोग लेखक ने आत्मचरित्र तथा संस्मरणों में भी किया है। तीसरी शैली है विवेचनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली के मध्य कहीं कहीं गंभीर विषयों पर विचार करते समय विवेचनात्मक शैली को अपनाया गया है। इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ तथा शैलियों की अपेक्षा दुरू है। दुरू माने कठिन। उदाहरण, दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, कि अंतिम शक्ति तो कृति की ही। हास्य व्यंग शैली, गंभीर विषयों तथा समस्याओं पर चिंतन करते हुए कहीं कहीं लेखक ने अत्यंत शिष्ट किंतु प्रभावशाली व्यंग भी किया है। इसके कारण भाषा में चुलबुलापन तथा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ, पिता की तेरही में 5 ग्रामों को भोज देकर उसे विश्वास हो गया कि अब तो स्वर्ग में उनका स्थान पक्का है। ये हास्य व्यंग शैली। साहित्य में आपका स्थान। काका कालेलकर भारतीय संस्कृत के अध्येता तथा राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रेमी थे। आपकी रचनाओं में उनके उपयुक्त गुणों के दर्शन होते हैं। काका साहब का हिंदी के उत्थान, प्रसार एवं लेखन में उल्लेखनीय योगदान है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने कहा है कि काका कालेलकर बहुभाषा ज्ञानी होने पर भी मुख्यतः हिंदी और उसमें भी साहित्यिक हिंदी के पक्षधर हैं। उनकी साहित्यिक भाषा में सरलता एवं ओज का अद्भुत संगम है और चित्रमयता तो इतनी है कि प्रायः आलोचक इनके गद्य को पद्यमय गद्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। ये काका कालेलकर की जीवनी, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, रचनाएं तथा शैली होंगे। आप इसको पढ़िएगा शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।